Guys, welcome back my YouTube channel once again. Guys, तो मैं आया हूँ आज अशोक विहार फेस टू रामलीला ग्राउंड. काफ़ी विशाल मेला लगा हुआ है यहाँ पे और रामलीला भी होती है. देखिए यहाँ रामलीला शुरू हो गई है और गाइज काफ़ी झूले वूले अवेलेबल है यहाँ पे. देखना होता हूँ आपको क्या प्राइस है क्या रेट है. और आइए, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया. देखिए यहाँ पे आपकी फोर व्हीलर और यहाँ पे आपका टू व्हीलर आराम से पार्क हो जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहाँ कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है. और गाइस ये है देखिए रामलीला ग्राउंड आई ब्लॉक बस स्टैंड और इसके जस्ट बिल्कुल साथ में ही ये मेला लगा हुआ है. और अगर आप इस साइड से आएंगे तो ये मेजर ध्यानचंद खेल परिसर है और उस साइड पड़ता है अशोक विहार पीतमपुरा का रास्ता. ये जस्ट वहाँ से आके आप इस रोड से आ सकते हैं. और ये सामने है मॉन्फोर्ट स्कूल और यहाँ लगता है मेला. आई ब्लॉक अशोक विहार का काफ़ी फेमस मेला है, फेज वन का मेला है ये अशोक विहार का. तो आइए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है. आइए भाई, देखिए ये है एंट्रेंस, यहाँ से आपको जाना होगा अंदर. और काफ़ी अच्छा, काफ़ी भव्य विशाल ये देखिए एंट्रेंस बनाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये देखिए, और चलते हैं अंदर मेले में. आइए आपको दिखाते हैं कैसे झूले हैं, क्या प्राइस है, खाने का प्राइस क्या है. आइए भाई, क्या हाल चाल है भैया, हाथ मिला लो भाई. क्या नाम है भैया आपका? सोनू. कहाँ से आए? शादीपुर डिपो. शादीपुर डिपो से आए भाई. और अगर इनको बुक करना हो तो आप कर सकते हैं. देखिए भैया नाम बता दो आपका. ओ हो भाई साहब, आराम से आराम से आराम से. भाई की टांगे काफी लंबी जा रही है भाई, एक बार दिखाओ. अरे वाह, अरे वाह मेरे भाई. गाइस मैं आपको एक बार रामलीला का स्टेज दिखा दूँ, कितना भव्य कितना विशाल. देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है. बिल्कुल वहाँ काफ़ी वीआईपी लोग बैठते हैं, उसके बाद सोफे वाले लोग हैं, उसके बाद ये देखिए ये भी सोफे वाले हैं, फिर कुर्सी, फिर कुर्सी, उसके बाद फिर तख्त आ जाता है. ये देखिए काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ, काफ़ी ये देखिए लाजवाब लोकेशन की हुई है. और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पर आके रामलीला. मैं तो बचपन से आ रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ही है. और हमारे तरुण भाई आज पहली बार आए हैं, पर मैं तो यहाँ बचपन से आता हूँ क्योंकि मेरा मेरे घर के दूर पास पड़ता है. ये देखिए काफ़ी स्पेस है और काफ़ी क्लियर कर दिया गया है. तीन दिन से लगातार बारिश आ रही थी आपको पता है दिल्ली में, उसके बावजूद भी ये काफ़ी नीट एंड क्लीन कर दिया गया है. और स्टेज काफ़ी अच्छा लगा हुआ. देखिए अभी रामलीला स्टार्ट होगी यहाँ पर और गाइड अब चलते हैं बाहर. आइए आपको दिखाते हैं झूले और खाने की क्या वैरायटी है. आइए गाइस मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ के झूले और खाने की वैरायटी क्या है और झूलों का प्राइस क्या है. जो मेन जो रीज़न होता है ना, लोग सोचते हैं भाई सस्ते अगर झूले मिल जाए या खाना उनको सस्ता मिल जाए तो वो चीज़ चेक करते हैं लोग, वो देखते हैं ये वो है या नहीं है. गाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन देकर जीवन प्रदान करते हैं, तो पेड़ लगाएं जीवन बचाएं. देखिए काफ़ी अच्छा ये एक संदेश है. ये देखिए पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ये काफ़ी एक अच्छा एक दिया गया है ताकि लोग पेड़ की कीमत को समझें. काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ये देखिए. और 100 रुपीज़ में ड्रैगन में सवारी आपके बच्चे कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये देखिए इसका प्राइस है 100 रुपीज़. ये है जिप्सी, देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी. ये क्या प्राइस है इसका? 80 रुपये. 80 रुपये इसका प्राइस है. ये देखिए कितना मिलाते हो? 20-25 चक्कर आपके बच्चे आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे. 80 रुपीज़ है यहाँ पे. 80 रुपीज़ ना? हाँ 80 रुपीज़. गाइस यहाँ देखिए ये है मिकी माउस, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. ये देखिए मिकी माउस पे. भैया क्या प्राइस है इसका? 100 रुपीज़ प्राइस है.
गाइस देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ लग रही है बच्चों के लिए। भैया क्या प्राइस है इसका? 80 रुपीज़ इसका प्राइस है। देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रही है ये देखिए 80 रुपीज़ में आप अपने बच्चों को गिफ्ट की सैर करा सकते हैं। गाइस ये है ड्रैगन राइड ये देखिए और इसका भी प्राइस 150 है जो काफ़ी कॉस्टली है। ये देखिए ये है ड्रैगन राइड इसका प्राइस है 150 और ये है नाव शिप वाली भी कहेंगे इसको और इसका भी प्राइस है 150 रुपये और इसका बड़े वाला झूले का इसका भी 150 रुपये प्राइस है तो काफ़ी महंगा है। ये देखिए ये है छोटेलाल कैटरस ये देखिए और गाइस दिखाते हैं आपको क्या क्या स्टॉल हैं खाने में क्या क्या वैरायटी है और सबसे बड़ी बात प्राइस क्या है वो दिखाते हैं आपको। आइए
ले क्या ये अच्छा गुलाटी कबाब ये वेज है ना वेज थी वेज होगा ये वेज है गुलाटी कबाब और यहाँ है जी पंजाबी ढाबा ये देखिए मक्के की रोटी सरसों का साग ये देखिए पंजाबी ढाबा सरसों का साग तो मक्के की रोटी मक्के की रोटी से सरसों का साग हाँ जी मजा आ जाएगा हाँ मैं क्या छा गए भाजी तुम और गाइस ये है पास्ता का स्टॉल पास्ता लगता नहीं यहाँ पे देखिए ये है पास्ता का स्टॉल भैया पास्ता का क्या प्राइस है 120 पास्ता का प्राइस है यहाँ गाइस यहाँ है देखिए जलेबी भैया क्या क्या है ये वैरायटी ये गुलाब जामुन मालपुआ जलेबी अच्छा ये है मालपुआ मालपुआ नहीं हाँ जी ये है मालपुआ ये है गुलाब जामुन और ये अच्छा ये कुछ भी नहीं और जलेबी बन रही अभी बनने वाली है भैया ये क्या है क्या प्राइस है कढ़ाई दूध का गाइस ये है कढ़ाई का दूध देखिए कितने रुपए 70 रुपए का 70 रुपीज़ का काफ़ी अच्छा लग रहा है यार बादाम बादाम पीस डाल के बढ़िया मलाई मलाई वाला गाइस यहाँ है टोकन सिस्टम मैं आपको बता दूँ ये देखिए यहाँ मिलते हैं टोकन ये देखिए छोटे लाल कैटरस के नाम से टोकन मिलते हैं और ये टोकन आपको हर स्टॉल पर जाके देने होंगे जब भी आपको फूड मिलेगा अगर टोकन आपके पास नहीं है तो आप कैश पेमेंट नहीं दे सकते कैश का सिस्टम नहीं है यहाँ पे टोकन का सिस्टम है तो ये बात ध्यान रखना टोकन लेना पहले अगर आओगे तो टोकन ले लेना इनको कुल्फी आम 100 रुपीज़ है भैया भैया क्या कहते हैं रोलर रोलर आइस क्या प्राइस है इसका 150 यहाँ पानी के स्टॉल भी हैं थम्सअप पानी कुछ भी आपको लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं और गाइस यहाँ पे देखिए गेम हो रही है यहाँ पे क्या प्राइस है भैया गेम का 50 रुपये में 6 रिंग 50 रुपये में 6 रिंग 6 रिंग 50 रुपये में 6 रिंग आप कुछ भी अगर आपका रिंग उसमें जाता है तो आप वो चीज़ जीत जाते हो ठीक है ना भैया और देखिए वो जैसे भैया डाला और नहीं जा पाए देखिए बाहर रह गया अभी दोबारा ट्राई कर रहे हैं भैया भाई ने जीत ली भाई क्या भाई ने जीत ली भाई ने जीत ली है ये देख रहा भाई अरे यार भाई ये जीत गया भाई तो मिल गए उसको भाई बढ़िया हो गया चल दिए क्या क्या गेम है थोड़ा बताओगे भैया आपको एक कड़े हैं अच्छा कड़े हैं डाले हैं जिस चीज़ में आपने डाल दिया वो चीज़ आपकी अच्छा क्या प्राइस है इसका 50 के 6 हैं ये और अगर ये कड़ा इसमें चला गया किसी में भी चीज़ आपकी तो वो आपको जिसमें आप डाल दोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है थम्सअप पेप्सी मिरिंडा काफ़ी चीज़ है अगर आप इसको ये कड़े देखिए छोटे कड़े हैं काफ़ी ये 6 कड़े आपको मिलेंगे अगर आपका कड़ा किसी में भी यहाँ पे जाके अगर ये बुक किया तो वो ये बढ़िया है 50 रुपये 6 कड़े आप मिलने वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा ये था अशोक विहार फेज 1 रामलीला का मेला और अब चलते हैं और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ओके चलते हैं अब आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय।